पहले हम लोग सिक्स का रिकॉल करेंगे, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर एंड इंटीजर्स। ये तीनों टॉपिक हम लोग सिक्स में पढ़ चुके हैं। एंड न्यू टॉपिक्स आर मॉड्यूल्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, रिप्रेजेंटिंग ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये तीनों टॉपिक्स हमारे लिए न्यू। फर्स्ट, व्हाट इज अ नेचुरल नंबर? द नंबर्स 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जनरली नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स आर द सेट ऑफ सिंबल्स एंड रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटीज। नंबर्स हम लोग उसको कहते हैं। बट जनरली दो तरीके के नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर किसी को भी हम लोग पूछेंगे नंबर्स क्या है, तो वो लोग क्या करेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ होल नंबर। द नंबर्स अलोंग विद अ जीरो आर कॉल्ड अ होल नंबर। जो जीरो से स्टार्ट होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर्स कहेंगे। ओके, नेचुरल नंबर्स जो है 1, 2, 3, 4 वो सारे होल नंबर्स भी कहा जाता है। बट होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स सारे नहीं हो सकते क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड होता है। बट इन नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3, 4 एंड सो 9 तक जाता है। इसी से हम लोग दूसरे नंबर्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 1, 21, 3, 4, 34 सेम नंबर्स बेसिकली हम लोग 100, 1000, 1,000,000 तक हम लोग उसको नंबर्स में फॉर्म कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीजर। द नंबर्स -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, जनरली फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे 3 रुपये दिए तो वो मेरे में क्या होगा, ऐड होगा। और किसी को मैंने 2 रुपये दिए तो वो क्या होंगे, माइनस। तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों का होता है। तो प्लस और माइनस जो दोनों साथ में होता है उसको हम लोग इंटीजर्स कहेंगे। द नंबर्स -4, -3, -2, -1, 0 नाउ है जीरो। जो जीरो है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि जीरो के आगे ना ही माइनस लगता है ना ही प्लस लगता है। देन नेक्स्ट, मॉड्यूल्स और एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड्यूल्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर ए इज डिनोटेड बाय मॉड्यूल ए। जो यहाँ पे साइन की गई है उन दोनों को हम लोग मॉड्यूल कहेंगे। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ए से, स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। अगे नेचुरल नंबर होल नंबर किसको कहेंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके 9 तक जाता है उसको नेचुरल नंबर कहेंगे। होल नंबर, होल नंबर 0 से इंक्लूड होके 9 तक जाता है उसको होल नंबर कहेंगे। इंटीजर्स, इंटीजर्स में इंफिनिटिव होता है, मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट कर नंबर लाइन पे आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी ये डेफिनेशन है सारी इंटीजर्स द नंबर्स -2, -3 अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेम वे जो यहाँ पे डॉट के मतलब कि सो ऑन, जो माइनस की ओर जाता है उसको लेफ्ट साइड कहेंगे और प्लस की ओर आता है उसको राइट साइड कहेंगे। मॉड्यूल्स और एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड्यूल्स मतलब कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक डिजिट आपको बताती हूँ। मॉड्यूल में -5 है, जो ये साइन है यहाँ पे दो स्टैंडिंग है उसको मॉड्यूल्स कहेंगे। मॉड्यूल्स में अंदर कौन सी डिजिट है, -5। यहाँ पे एक रूल है, जब भी मॉड्यूल बाहर आ जाती है डिजिट वो प्लस हो जाती है, मतलब कि पॉजिटिव। -5 वो क्या हो जाएगा, +5। फॉर एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट इज 2, मॉड्यूल 2। देखो अब ये डिजिट के आगे कुछ नहीं है, मतलब ये डिजिट कौन सी है, पॉजिटिव है। अगर हम मॉड्यूल के बाहर इसको निकालेंगे तो ये पॉजिटिव की रहेगी। तो आपको पता चल गया मॉड्यूल किसको कहेंगे। मॉड्यूल में ये मॉड्यूल का सिंबल है। मॉड्यूल को कैसे डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। मॉड्यूल के अंदर नेगेटिव साइन हो, नेगेटिव नंबर हो, उसको मॉड्यूल के बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और पॉजिटिव है उसका पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। हम लोग ने नेक्स्ट नंबर होल नंबर इंटीजर एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सपेक्ट करें। अब मैं करूंगी इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में जीरो आता है, ये लेफ्ट साइड और ये
1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड. लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव नंबर्स आते हैं और राइट साइड हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. हम लोगों ने सिक्स में इंटीजर्स और नंबर लाइन, हम लोगों ने यहाँ पे नंबर लाइन भी ड्रॉ करके उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हम लोगों ने सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ चुके. इसके सम्स भी आ गए वो भी हम लोग सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ चुके. पहले अगेन मैं रिकॉल करूंगी, फॉर एग्जाम्पल -3 + 5. अब देखो -3 कैसा है, माइनस है, और 5 कैसा है, प्लस 5. मैंने आपको यहाँ पे रूल समझाया थे, रूल्स माइनस माइनस माइनस, मतलब कि फर्स्ट डिजिट माइनस हो तो उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, माइनस में आएगा. प्लस प्लस प्लस, फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव हो उसका आंसर भी किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा. प्लस माइनस माइनस, अगर फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव है सेकंड डिजिट नेगेटिव है तो आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा. माइनस प्लस माइनस, फर्स्ट डिजिट नेगेटिव है सेकंड डिजिट पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा. ये रूल आपको हमेशा याद रखना है, ये रूल आपको याद रखेंगे तो ही आपके सम्स सही होंगे, अदरवाइज रॉन्ग. अब देखिए 3 के आगे क्या है, -3, और 5 के आगे +5. तो माइनस प्लस, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस माइनस करना है हम लोगों को, माइनस मतलब आंसर किसमें आएगा, माइनस में. बट यहाँ पे ग्रेटर की साइन लगी है, जो ग्रेटर के आगे साइन होती है वही साइन आंसर में है. अब देखो करना है हमें माइनस, 5 - 3 = 2 आए, बट कैसा, टू प्लस या माइनस, 5 के आगे कौन सी साइन है, प्लस, यहाँ पे आंसर आएगा प्लस 2. साइन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, अगर आप लोगों ने साइन नहीं देखी और सीधा आंसर लिख दिया तो पूरा सम गलत हो जाएगा. तो आपको साइन पहले देखनी है फिर आप लोगों को प्लस माइनस करना है. नेक्स्ट -5 + 2. अब देखो -5 कैसा है, माइनस है, और 2 कैसा है, प्लस. माइनस प्लस माइनस आएगा, 5 - 2 = 3. अब देखो ग्रेटर साइन कौन सी है, 5 के आगे क्या है, माइनस, तो आंसर आएगा हमारा -3. अब देखो अभी यही एग्जांपल मुझे नंबर लाइन में ड्रॉ करके करना है और आंसर ये लाना है तो कैसे लाएंगे. फॉर एग्जांपल आपको ये डिजिट दी है -3 + 5. पहले हमेशा आप लोगों को ये सॉल्व करना है अपनी बुक में, देन आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन. बाद में आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. पहले हम लोग 0 से लेके -3 की ओर जाएंगे, राइट. अब +5 मैंने आपको कहा प्लस सारे डिजिट पर इस तरफ आती है राइट साइड, तो हमें यहाँ से काउंटिंग करके 5 तक जाना है. तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5. तो आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है. देखो हमारा आंसर आ गया 2. तो आंसर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 आया, तो आंसर इज राइट. आपको टैली करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको ये सम करवाया है, ये पूरा सम आपको पहले यहाँ पे सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद ही आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. अगर आप पहले नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे और यहाँ पे बाद में करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. इससे पहले आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर दो तो आपको आंसर यहाँ पे पता चल जाएगा. फिर उसके बाद आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा और आप मैच भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत. और अब दूसरा एक हम लोग करेंगे, -15 + 12. अब देखो 15 कैसा है, माइनस, और 12 कैसा है, प्लस. 15 के आगे माइनस है, 12 के आगे प्लस. माइनस प्लस माइनस, 15 - 12 करोगे तो आंसर आएगा 3. कैसा आएगा 3, पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो ग्रेटर के आगे क्या है, माइनस, तो आंसर विल बी -3. सेम वे यही डिजिट आप नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करके उसको बता सकते हो कैसे आएगा. पर यहाँ पे देखो हम लोगों ने 6 तक ही किया है माइनस, यहाँ पे डॉट डॉट मतलब कि सॉन, जितना आप लंबा खींचना चाहते हो उतना खींच सकते हो. यहाँ पे आपको इन्फिनिटिव की साइन बता दो,
माइनस फोर प्लस थ्री माइनस टू। अब देखो हमने अपने फर्स्ट टू डिजिट वाले नंबर ही सॉल्व किए, अब हम यहाँ पे कौन से तीन नंबर वाले सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक रूल है, रूल मतलब ऐसा टेबल नहीं है कि आपको ना समझना है, फर्स्ट टू डिजिट आपको पहले सॉल्व करनी है, क्योंकि यहाँ पे तीन डिजिट एक साथ आप तीन डिजिट को नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तीनों की साइन कैसी है डिफरेंट है। तो फर्स्ट टू डिजिट को सॉल्व करेंगे, फोर कैसा है माइनस फोर और थ्री प्लस थ्री माइनस प्लस। ये रूल खास करके आपको याद रखने पड़ेंगे वरना आप लोगों का आंसर नहीं आएगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस में आंसर आएगा मैंने माइनस पहले कर दिया, फोर माइनस थ्री आंसर वन आएगा। अब उसके बाद क्या है माइनस टू, माइनस टू। अब देखो माइनस माइनस करना है हमें प्लस, बट ग्रेटर की साइन लगेगी, ग्रेटर के आगे क्या है माइनस, टू प्लस वन थ्री का आंसर आएगा माइनस थ्री। अब देखो ये आपके मन में ऐसा चल रहा होगा, अब ये तीन डिजिट है तो ये तीनों डिजिट को हमने नंबर लाइन पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो हम लोग वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। देखो पहले फर्स्ट डिजिट क्या है माइनस फोर, तो जीरो से ही हम स्टार्ट करेंगे, माइनस फोर हमेशा लेफ्ट साइड आता है, जीरो से लेके माइनस फोर तक जाएंगे। अब देखो माइनस फोर के बाद है प्लस थ्री, प्लस थ्री प्लस थ्री किस तरफ आता है राइट साइड, मतलब कि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब थ्री हमें जाना है वन टू एंड थ्री, तो यहाँ पे आएगा माइनस वन। ओके अब माइनस वन के बाद क्या है माइनस टू, तो अगेन वी विल हैव टू गो लेफ्ट साइड, तो माइनस वन से लेके हमें किस तरफ जाना है टू आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे आएगा टू, देखो वन एंड टू तो आंसर आ गया माइनस थ्री। देखो यहाँ पे भी माइनस थ्री और यहाँ पे भी माइनस थ्री, तो आपको पता चल गया टू डिजिट वाले नंबर एंड थ्री डिजिट वाले नंबर। ये सारे डिजिट्स हम लोग सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, सेवन स्टैंडर्ड में इससे बड़ी डिजिट्स भी आएगी। यहाँ पे टू डिजिट्स वाले किए, फिर थ्री डिजिट्स वाले किए, अब फोर डिजिट्स वाले करेंगे, पर वो फोर डिजिट वाले हम लोग नंबर लाइन पे फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके स्टैंडर्ड में नहीं है। ओके अब फोर टू डिजिट थ्री डिजिट वाले सॉल्व हो गए आपके नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को ऐसा कहा है कि आपको डिनोट करना है माइनस फाइव, सिर्फ माइनस फाइव नंबर लाइन पे आपको बताना है, तो आपको क्या करना है एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब यहाँ पे क्या कहा है हमें माइनस फाइव, तो माइनस फाइव यहाँ पर तो ये हो गया माइनस फाइव। ओके अब सेम वे दूसरा है थ्री प्लस थ्री, तो प्लस थ्री यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कर सकते हो। ओके अब देखो यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने दिए, अब एक साथ भी आपको पूछा जा सकता है कि माइनस टू थ्री फाइव और माइनस वन, ये चारों डिजिट आपको नंबर लाइन पे डिनोट करने मतलब कि बताना है कहाँ पर है, तो एक ही नंबर लाइन पे आप कर सकते हो, अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो, ये आपका आंसर जो भी सही ही होगा। माइनस टू तो माइनस टू यहाँ पर डिनोट कर दिया, या फिर इसके ऊपर सर्कल भी कर सकते हो, तो आपको पता चल जाए कि आपने जो आंसर सर्कल किया। फिर फाइव, तो फाइव यहाँ पर है तो फाइव यहाँ पर आएगा, तो हम लोगों ने सर्कल कर दिया। तो हम लोगों ने अभी समझा नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स मॉडल्स और एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंटिंग ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पढ़ लिया, एग्जांपल्स भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिए। अब हम करेंगे टू डिजिट्स वाले किए, थ्री डिजिट्स वाले किए, अब फोर डिजिट्स वाले, फॉर एग्जाम्पल माइनस ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन माइनस टेन प्लस टू। अब देखो यहाँ पे फोर डिजिट्स वाले नंबर्स हैं,
प्लस माइनस प्लस माइनस या फिर प्लस माइनस करूंगी तो भी आंसर माइनस में ही आएगा. तो 10 माइनस 2 करूंगी तो 8 आएगा. पर 8 कैसा है, प्लस आएगा कि नेगेटिव? प्लस आएगा नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर के आगे माइनस है तो यहाँ पे आपको करना है माइनस. अगेन यहाँ पे प्लस था. अगर यहाँ पे कुछ भी ना दिया कोई भी साइन नहीं है, प्लस की भी नहीं है और माइनस की भी नहीं है, तो वो कौन सी साइन होगी? हमेशा पॉजिटिव ही होगी. अब देखो प्लस माइनस माइनस आएगा, ग्रेटर के आगे क्या है? माइनस. तो आपका आंसर किसमें आएगा? माइनस. अब देखो 3 में से 8 तो नहीं कट कर सकते, तो 8 में से 3 कट करेंगे तो कितना आएगा? 5, माइनस 5. आंसर आपका आया माइनस 5. ये फर्स्ट मेथड है. अगेन आई एम गोइंग टू टेक फुल सम. फर्स्ट टू डिजिट को पहले सॉल्व करना है. साइन देखो 12 के आगे माइनस है, 15 के आगे प्लस है. माइनस प्लस माइनस आएगा, पर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि ग्रेटर के आगे प्लस है. 15 माइनस 2 3. अब यहाँ पे सेकंड लास्ट डिजिट 10 के आगे माइनस है, 2 के आगे प्लस है. माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 2 8 और ग्रेटर के आगे क्या है? माइनस है. अगेन प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 कट करेंगे तो 5, पर कैसा 5 आएगा? माइनस 5, क्योंकि ग्रेटर के आगे माइनस है. अब मैं दूसरी मेथड आपको करवाऊंगी. माइनस 12 प्लस 15 माइनस 10 प्लस 2. जैसे हम लोग फर्स्ट टू डिजिट ली वैसे ही यहाँ पे भी फर्स्ट टू डिजिट लेंगे. इसका आंसर भी क्या आएगा? प्लस 3. अब देखो प्लस 3 के बाद ये पूरी डिजिट जो बाकी है वो वापस कॉपी करूंगी. प्लस 3 माइनस 10 प्लस 2. अब ये फर्स्ट टू डिजिट को सॉल्व करेंगे. प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 3 7. 7 कैसा आएगा? प्लस या माइनस? क्योंकि ग्रेटर के आगे माइनस है तो माइनस 7. देन आफ्टर प्लस 2. अब प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 कट करेंगे तो 5. कैसा 5? माइनस 5. तो देखो दोनों के आंसर कैसे है? सेम. मेथड डिफरेंट है पर आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा. आप लोग कोई भी मेथड कर सकते हो. अगर आप लोगों को ये मेथड इजी लग रही है तो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो. ये मेथड इजी लग रही है तो आप वो भी मेथड यूज कर सकते हो. दोनों का आंसर सेम ही आएगा. अगर आप लोगों का आंसर इस मेथड में अलग आया, डिफरेंट आया, तो आपकी कोई गलती होगी. इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों को हमेशा पहले साइन साइन देखो. साइन देखने के बाद प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो कर रहा है. वो करने के बाद में देखो कि ग्रेटर के आगे क्या है. ग्रेटर के आगे प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा. अब देखो ये दोनों एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़ लिए. नंबर लाइन्स भी आप लोगों को पता चल गया. फिर से लेफ्ट साइड आए तो वो सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, राइट साइड आएंगे तो वो सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे. टू डिजिट को आप सॉल्व कर रहे तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा. माइनस 4 प्लस 0 है, माइनस 4 प्लस 0. अब देखो 0 क्या है? प्लस है और माइनस 4 है तो माइनस प्लस माइनस 4 में से 0 कट होगा तो 4 ही आएगा और प्लस आएगा कि माइनस? माइनस 4. ये टू डिजिट्स वाले नंबर पड़े, थ्री डिजिट्स वाले नंबर पड़े और फोर डिजिट्स वाले. सारे आप लोगों के सारे नंबर्स अब क्लियर हो चुके होंगे. अब हम लोग एक एग्जांपल दूसरा लेंगे. Minus.
1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब आपको भी पता है पॉजिटिव की ओर मतलब कि राइट साइड हम लोग आते हैं तो ग्रेटर हो जाता है और लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे हमें पता चल जाना चाहिए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, माइनस 12 बड़ा है या माइनस 5 बड़ा है। अब देखो 12 किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड। 12 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है माइनस 12 तो ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड। और यह है माइनस 5 तो माइनस 5 इस तरफ आ रहा है तो माइनस 5 इस तरफ आएगा तो कौन सी तरफ जा रहा है, राइट साइड। तो इसमें से कौन सी डिजिट बड़ी है, माइनस 5 तो आपको साइन इस तरह से करनी है, माइनस 5 इज ग्रेटर देन माइनस 12। अगेन एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ, माइनस 2 प्लस 13 माइनस 7 15 माइनस ब्रैकेट में माइनस 6 प्लस माइनस 3। अब देखो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग ने पहले आपको एग्जांपल में समझाया था 3 डिजिट्स वाले, तो इसमें क्या करेंगे पहले इन दोनों डिजिट को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस और ग्रेटर की साइन लगेगी। 13 में से 2 माइनस करूंगी तो 11 कैसा आएगा, 11 प्लस। अब देखो बाहर भी माइनस है और ब्रैकेट में भी माइनस है तो ये ब्रैकेट हमें पहले ओपन कर देना है, इन दोनों की साइन का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 7। चलो यहाँ पे देखो दोनों डिजिट कैसी है, पॉजिटिव है, 11 प्लस 7 आंसर 18। अब इसको सॉल्व करेंगे 15, अब देखो यहाँ पे भी ब्रैकेट में क्या है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस। अब देखो पहले ब्रैकेट सारा ओपन कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 3। अब 15 प्लस 6 करना है, 15 प्लस 6 कितना आएगा, 21 माइनस 3। अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव, 21 माइनस 3 करोगी तो कितना आएगा, 18। अब देखो यहाँ पे दोनों के आंसर्स कैसे है, 18 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 18 है तो ये दोनों इक्वल है, 18-18 इक्वल, तो वीडियो गुड इक्वल साइन। ओके अब आपको पता चल गया, खास करके आपको ये याद रखना है माइनस जब आए और यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है तो आपको क्या करना है, राइट साइड जब आता है तो बढ़ता है मतलब कि वो बड़ी साइन है मतलब बड़ी डिजिट है और लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो छोटी हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपको खुद द करेक्ट साइन पूछे तो खास करके आपको पहले साइन देखनी है, साइन के बाद नंबर्स देखने हैं, नंबर्स देखने के बाद ही आप लोगों को साइन डालना है। अभी और एक एग्जांपल लेती हूँ, thank you.
देखो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डिजिट होंगे। अब मैंने आपको पहले सिखाया था माइनस राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, सारे ग्रेटर होंगे और लेफ्ट साइड सारे स्मॉलेस्ट होंगे। तो असेंडिंग में कैसे आता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले छोटी डिजिट, मतलब कि छोटी डिजिट इसमें माइनस वाली है, पहले देखिए यहाँ पे माइनस 10, 12, माइनस 5, प्लस 5 और माइनस 2। तो इसमें से सबसे छोटी डिजिट आएगी माइनस 10, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी यहाँ पे क्या है, माइनस 10 पर है, ऐसी छोटी डिजिट है। अब उसके बाद आएगा माइनस 5, फिर माइनस 2, फिर प्लस 5 और देन प्लस 12। अब देखो 10, 5, माइनस 2, 5 एंड 12। पहले सारी माइनस की डिजिट आएगी, क्योंकि ये माइनस की सारी डिजिट कैसी होती है, स्मॉलेस्ट होती है, और पॉजिटिव में सारी बड़ी होती है। ओके नेक्स्ट वन, अब देखो अभी यहाँ पे तीन तीन डिजिट, पहले हम लोग टू डिजिट से, अब थ्री डिजिट्स, माइनस 359, प्लस 210, माइनस 105 एंड माइनस 21। अब देखो सबसे बड़ी डिजिट, बड़ी डिजिट मतलब कि हमें लेनी है छोटी, है बड़ी पर है वो कैसी, छोटी है, क्योंकि आगे क्या है माइनस है। माइनस 359 कॉमा, फिर देखो यहाँ पे आएगा माइनस 105, माइनस 21 और प्लस 210। ओके असेंडिंग में क्या आएगा, छोटे से बड़ा, सेम वे अगर यही डिजिट का हम लोग डिसेंडिंग करेंगे तो डिसेंडिंग में क्या आएगा, बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटे में क्या करना है आपको, पॉजिटिव डिजिट्स लेंगे, फिर नेगेटिव डिजिट्स आएंगे, क्योंकि राइट साइड क्या होंगे, सारी बड़े डिजिट एंड लेफ्ट साइड सारी स्मॉलेस्ट डिजिट। तो आपको असेंडिंग का समझ में आ गया। अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका एक्स्ट्रा साउंड हम लोग आपके एप्लीकेशन में डाल देंगे। ओके थैंक यू।